नमस्कार, मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। इंदौर के बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, बीजेपी शहर अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधियों ने बीजेपी के पदाधिकारियों ने शिरकत किया। बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसके बाद में शहर में जनजीवन को फिर से एक बार शुरुआत करने को लेकर राहत देने संबंधी जो है एक मतता बताई गई, जताई गई। बैठक में सम्मिलित बीजेपी शहर अध्यक्ष का कहना है कि गार्डन तैयार कर शहर में सब्जी फल व किराने की दुकानों को खोला जाए। इसी के साथ में मजदूर वर्ग को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए निर्माण कार्य भी शुरू किया जाने की आवश्यकता है। आज हमारे सभी वरिष्ठ जन, सम्मानीय राष्ट्रीय महामंत्री जी, सांसद जी, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, सभी सम्मानीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब लोगों ने बैठ के आज चर्चा हुई है कि कैसे इंदौर को अनलॉक किया जा सके, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, और कैसे अनलॉक करते हुए हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कैसे जो ये इंदौर में कोविड पेशेंट्स में स्थिरता आई है, संख्या में स्थिरता आई है, इसको भी बना के रखें, कम से कम करते हुए इंदौर को कैसे अनलॉक किया जा सके, इसको लेके सभी माननीय वरिष्ठ जनों ने अपने सुझाव दिए हैं। अब एक छोटी टोली के रूप में हम लोग बैठ के उसको सबको एक बार समाहित करते हुए फिर हम लोग प्रशासन से। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत की है, जहां उन्होंने बताया कि अब कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे काबू में आ रही है। वहीं अब एक दिन में कोरोना के 1854 नए मरीज मिले हैं, साथ ही 5796 मरीज ठीक होकर अस्पतालों से घर लौटे हैं। हालातों के अलावा उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज कोरोना के बारे में पुनः अच्छे संकेत हैं, लगातार आप देख रहे होंगे पिछले हफ्ते से महामारी के शुभ संकेत आ रहे हैं। आज 1854 कुल पूरे प्रदेश के अंदर प्रकरण आए, 5796 लोग आज ठीक होकर के अपने घरों के लिए गए हैं, तिगने लोग लगभग, चौगने लोग लगभग रोज ठीक। वही खबर भोपाल से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से बातचीत की है। उनका कहना है कि वैक्सीन की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वैक्सीन की पूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर किए जा रहे हैं। 18 प्लस के लिए स्पॉट बुकिंग की सुविधा की गई है। साथ ही ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर्स में अब पंचायत के लोगों को भी टीका लगेगा। वहीं पर भोपाल इंदौर को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर्स को लेकर उन्होंने कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप इस पर निर्णय करेगा। वहीं पर उन्होंने क्या कहा है, आपको भी सुनाते हैं। छह मंत्री समूह बनाए हैं। देखिए, यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है या संतोष की बात है कि कोरोना की पॉजिटिविटी कम हुई है, परंतु म्यूकोर माइकोसिस के केसेस आए, पर उसमें भी थोड़ी सी हमें ऐसा लगता है कि कमी देखने को मिल रही है। हम उसका इलाज सुचारू कर रहे हैं। एम्फोटेरिसिन जो उसकी दवा है, उसकी निश्चित रूप से कमी है, और उसका युक्तियुक्तकरण कर लोगों को दवा मिल सके, इसकी भी सुचारू व्यवस्था की जा रही है। जिनकी सर्जरी हो गई है उनको अनिवार्य रूप से ये इंजेक्शन मिल जाए, इसका जरूर युक्तियुक्तकरण कर हम प्रयास। भोपाल में राजनीति इस वक्त चरम पर है। लगातार पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता हमेशा धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हैं, धर्म को अपना पेटेंट समझते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा धार्मिक आस्थाओं के साथ काम करती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता हमेशा धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हैं और धर्म को अपना पेटेंट समझते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता कमलनाथ जी धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक आस्थाओं के साथ हमेशा काम करते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी तमाम, चाहे महाकाल मंदिर हो, चाहे ओम सर्किट हो, और चाहे राम गमन पथ बनाने का काम हो, तमाम धार्मिक कार्य कमलनाथ जी ने किए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जब भी कमलनाथ जी मंदिर जाते हैं
अपनी दुकान बंद होते हुए दिखाई देती है, इसलिए तिलमिला जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के ऊपर भगवान और प्रदेश की जनता दोनों का आशीर्वाद। जावरा में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सिविल हॉस्पिटल जावरा में आईसीयू व वेंटिलेटर्स और बच्चों के वार्ड जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगे, जिससे कि जावरा विधानसभा क्षेत्र के अलावा आसपास के दूरस्थ क्षेत्रों से जो लोग हैं उनको लाभ मिल सके। इसी संबंध में विधायक राजेंद्र पांडे की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें जावरा में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके इसको लेकर कार्य योजना पर चर्चा की गई है। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए तथा सर्व सुविधा युक्त चिकित्सा व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाई जा रही है। इस कार्य योजना में सिविल हॉस्पिटल जावरा में लगभग 10 बिस्तर वाले आईसीयू बेड वाले जो आईसीयू हैं उनको बनवाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा वेंटिलेटर सिटी स्कैन मशीनें भी लगाए जाने पर चर्चा की गई है। 1 जून से प्रदेश के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए उसमें अब छूट दी जानी है, लेकिन कुछ जिलों में संक्रमण अभी भी ज्यादा है, जिसमें कि रतलाम भी शामिल है। ऐसे में रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 2 दिन का एक सर्वे अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में अब शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया गया है। सर्वे अभियान को 2 दिन में पूरा करने का टारगेट है, जिससे कि शिक्षकों को भी घर घर जाकर परिवार वालों से बीमार लोगों की जानकारी एकत्र करनी होगी। इस सर्वे का उद्देश्य है कि इससे ये जानकारी सामने आ पाए कि कितने प्रतिशत लोग बीमार हैं या फिर उससे जूझ रहे हैं, जिससे कि उनका इलाज किया जा सके। जरूरी हो तो सैंपलिंग भी की जाए, उनके घर पर ही ये सुविधा उपलब्ध हो। इसके बाद 1 जून के लिए तय किया जाएगा कि रतलाम को छूट दिया जाना संभव है या फिर नहीं। रतलाम शहर के नागरिकगण, ये बहुत ही प्रबुद्ध शहर है और आज पिछले 15 दिनों के कोशिश के बाद ये अवसर आया है कि हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना की वो 5% से कम है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव पेशेंट काफी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लॉकडाउन तभी खुलेगा जब ये संख्या सिंगल डिजिट में। मेरा ये आकलन है कि अगर हम मरीजों की पहचान पहले से कर लें तो हम संक्रमण रोकते हैं, साथ ही साथ लोगों की जान भी बचाते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी में सभी सार्वजनिक व निजी कार्यक्रमों की रोक के बाद भी चंदन नगर में लड़की के पिता ने शादी समारोह का खाना रखवाया और भारी पड़ गया उसको। पुलिस द्वारा लड़की के पिता व मकान मालिक पर धारा 188 समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई कर मकान सील कर दिया गया है। इंदौर के चंदन नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्रीन पार्क कॉलोनी के नव निर्मित मकान में काफी संख्या में लोग इकट्ठा होकर शादी समारोह में भाग ले रहे हैं। चंदन नगर थाना प्रभारी योगेश तोमर द्वारा जिला प्रशासन व निगम की टीम गठित की गई, मकान पर दबिश दी गई तो समारोह में 200 से 250 लोग बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पर पाए गए, नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखे, जिसके बाद में पुलिस ने मकान मालिक मोहम्मद एयाज व लड़की के पिता मोहम्मद जावेद पर धारा 188 समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की है, साथ ही दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ग्रीन पार्क में सूचना मिली थी कि एक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक मकान के अंदर काफी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं और जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। तो मैं, तहसीलदार साहब और नगर निगम की टीम, तीनों विभाग के लोग तत्काल वहां पहुंचे तो देखा कि एक नव निर्मित मकान के अंदर करीब 250 से 300 पुरुष और महिलाएं बच्चे, जिनमें से अधिकांश लोग बिना मास्क के थे, अंदर इनका खाना पीना चल रहा था, शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तो तत्काल इनके खिलाफ धारा 270 और 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें लड़की के पिता जावेद, जो ग्रीन पार्क का रहने वाला है, और जो मकान मालिक है मोहम्मद एजाज, इन दोनों को गिरफ्तार। वहीं रतलाम बांसवाड़ा मार्ग पर स्थित आरटीओ बैरियर से बीती रात को 4 अज्ञात चोर लगभग
195,000 नकदी लेकर फरार हो गए। थाना प्रभारी शिव मंगल सिंह सेंगर ने बताया है कि बीती रात बैरियर के आसपास के विद्युत तार काटकर चार अज्ञात बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर बैरियर में घुसे और 195,000 रुपए लेकर चंपत हो गए। थाना प्रभारी का कहना है कि बैरियर के कर्मचारियों ने बताया कि उन चार अज्ञात बदमाशों में से एक बदमाश के हाथ में तलवार थी, इसलिए किसी ने भी प्रतिशोध या फिर सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाई और चारों इसका फायदा उठाकर नकदी लेकर चंपत हो गए। थाना प्रभारी ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने भी गुरुवार दोपहर घटनास्थल का मुआयना किया है और आवश्यक निर्देश दिए हैं। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। उम्मीद है कि चोर जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। इंदौर शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर से सामने आया है, जहां पर चोरों ने दूरदर्शन केंद्र के असिस्टेंट इंजीनियर के घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए पर हाथ साफ करके फरार हो गए। दरअसल इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर में रहने वाले दूरदर्शन केंद्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्य करने वाले अधिकारी विजेंद्र भरानिया के माता पिता रविंद्र नगर में अकेले रहते थे। वहीं पर विजेंद्र भरानिया के माता पिता कुछ दिनों से अपनी बेटी से मिलने के लिए उज्जैन चले गए थे और घर पर कोई भी नहीं था, जिसका फायदा उठाया गया। चोरों ने पीछे का दरवाजा तोड़ा, घर के अंदर घुसे, लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे इंदौर DIG मनीष कपूरिया, SP आशुतोष बांगरी ने पूरे घर का मुआयना किया है और कहा है कि चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। अपने विजेंद्र ब्रानिया साहब हैं, ये दूरदर्शन के अधिकारी हैं। यहाँ इनके माता पिता यहाँ रहते हैं। अभी कोविड के चलते उज्जैन गए हुए थे, घर सूना था और इसमें पीछे से ताला तोड़ के एंट्री की गई है और चोरों ने जो अलमारी गोदरेज की अलमारी में से कुछ सामान लेके गए हैं, उसका अभी डिटेल्स ये देंगे। सभी प्रयास किए जाएंगे इन चोरों को पकड़ने। एक तरफ देश भर में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल रही है, जिसका असर सीधे तौर पर बच्चों को हो रहा है और कई बच्चे अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं पर दूसरी तरफ गुना के गुरुग्राम शिक्षक संस्थान में संचालक द्वारा सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रख दिया गया है और शासन प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल करीब 70 बच्चों के आसपास एक कमरे में बैठा कर उनसे परीक्षाएं ली जा रही हैं। वहीं पर इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वहीं सतना शासन प्रशासन चाहे लाख दावे करे किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए, लेकिन भ्रष्टाचारी किसानों को लूटने का जरिया बने हुए हैं। मामला गेहूं खरीद से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी फसल बेचने के निर्देश दिए गए। दरअसल सतना जिला अंतर्गत तहसील मैहर के गोबरिया खरीद केंद्र पर 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदी की जा रही है। केंद्र प्रभारी किसानों से भरवाई के नाम पर वसूली कर रहे हैं, जबकि शासन स्तर पर हर खरीदी केंद्रों को ये राशि प्रदान की जाती है। नियम के अनुसार किसी भी किसान से कोई भी केंद्र प्रभारी तुलाई, भरवाई और परिवहन के पैसे नहीं ले सकता। ये सारा खर्च खरीदी केंद्र को ही वहन करना पड़ता है, जिसका भुगतान बाद में प्रदेश की सरकार करती है। बावजूद इसके किसानों से हर खरीदी केंद्र में वसूली की जा रही है। वहीं अगली खबर इंदौर से है, जहां पर वरिष्ठ समाज सेवी शेख मोहम्मद शकील ने खजराना हेल्थ कमेटी के कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। बता दें कि खजराना हेल्थ कमेटी लगातार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने के साथ में ही ऑक्सीजन मशीन और बाईपैप मशीन लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही अब खजराना हेल्थ कमेटी घर घर दस्तक दे रही है। जहां भी मरीज मिल रहे हैं, अस्पताल से डर रहे हैं जो लोग या फिर गरीब हैं, ऐसे मरीजों की तलाश की जा रही है और उन तक इलाज पहुंचाया जा रहा है, मदद की जा रही है। समाज सेवी शेख मोहम्मद शकील का कहना है कि खजराना हेल्थ कमेटी लगातार अच्छा काम कर रही है। यही वजह है कि 2.5 लाख से ज्यादा आबादी वाले खजराना में मरीजों की तादाद में भारी गिरावट आई है। पूरे भारतवर्ष में कोरोना महामारी खतरनाक फैली हुई थी, मध्य प्रदेश का हालात भी खराब हो चुके थे। इस हालात में प्रभात ग्रहण के वरिष्ठ पत्रकार हिदायतुल्ला ने एक ग्रुप बनाया, जिसमें खजराना के वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर्स, राजनेता,
समाज सेवी और सभी लोगों को वरिष्ठों को जोड़ के काम शुरू किया। काम शुरू करते ही लोगों का ताउन भी आना शुरू हो गया। हमने उससे ऑक्सीजन सिलेंडर मशीनें बाईपेप मशीनें खरीद कर लोगों की खिदमत को अंजाम देना शुरू किया। उसी के मद्देनज़र आज जो फ्रंट लाइन में इस कमेटी के मेंबरान काम कर रहे थे उनका सम्मान रखा गया है। ईद मिलन के इस अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे, उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। वहीं धार व बड़वानी जिले में नर्मदा नदी में मगरमच्छ अब पानी पीने जाने वालों कुत्तों को भी शिकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल मामला धार और बड़वानी के बीच में राजघाट का है, जहां पर एक मगरमच्छ पलक झपकते ही कुत्ते को अपना निवाला बना लेता है, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि नर्मदा किनारे बसे हुए जो रहवासी हैं वो बड़े ही खतरे में हैं। वहीं पर घटना के बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। रीवा में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के अमानवीय चेहरे लगातार सामने आ रहे हैं। हॉस्पिटल में पुलिस के साथ में मारपीट का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि मेडिकल स्टूडेंट्स का मारपीट का मामला सामने आ गया। दरअसल दो युवक अस्पताल में भर्ती अपने परिजनों से मिलने जा रहे थे और गलती से वे अस्पताल के बजाय अस्पताल से ही लगे हुए बॉयज हॉस्टल में चले गए, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने उन्हें चोर समझकर बंधक बना लिया। उनका मोबाइल छीन लिया गया, जमकर मारपीट की गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को बंधन मुक्त किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अभी जो है जूनियर डॉक्टर्स का पीजी हॉस्टल है मेडिकल कैंपस में, वहाँ से सूचना आई थी कि दो व्यक्तियों के साथ मारपीट की गई है। पता चला तो ऐसा बताया गया कि चोरी के संदेही थे। अभी तक पूछताछ में कोई ऐसा तथ्य निकल के सामने नहीं आया है कि जिससे यह स्पष्ट हो कि चोरी का। अगर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं आता है तत्काल मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। जिनके नीमच में मंदसौर की समाज सेविका अनामिका जैन ने अपने दिवंगत पिता कैलाश चंद्र शर्मा की स्मृति में गरीबों व भूखों को भोजन वितरित किया है। शहर के अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर समाज सेविका अनामिका जैन और उनकी टीम ने लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए हैं। आपको बता दें कि महिला समाज सेवी अनामिका जैन मंदसौर में अनामिका जन कल्याण सेवा समिति का संचालन करती हैं, जिसमें कि वह सड़कों पर घूमने वाले जो लावारिस लोग हैं, विक्षिप्त महिलाएं हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उपचार करवाती हैं। समय समय पर अनामिका जैन समाज सेवा के सराहनीय काम करती रहती हैं। इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के महू नाका कब्रिस्तान में कब्र खोदने को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि महू नाका कब्रिस्तान लगभग 300 साल पुराना कब्रिस्तान है। यहां पर लगभग 45 अलग अलग क्षेत्रों से शवों को लाकर दफन किया जाता है। जैसे ही एक शव के लिए कब्र खोदने का काम किया जा रहा था, तभी पास में ही रहने वाले आनंद दुबे व उनके परिवार वालों की जो महिलाएं थी उनके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके बाद में कब्र खोदने का काम रोककर कब्रिस्तान कमेटी को सूचित किया गया। वहीं पर कमेटी के सदस्यों ने इस पूरे मामले की सूचना आला अधिकारियों को दी है, जिसके बाद में तुरंत प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को बिगड़ने से रोका है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अभी अभी मुझे को कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर कपूर भाई और वहाँ पर जो मैनेजमेंट देखते हैं मुबारक भाई ने जानकारी दी कि सुबह का वक्त था, कब्र खोद रहे थे, दुबे नामक कोई व्यक्ति अपने मकान पे से गाली बकने लगा कि कब्र नहीं खोदोगे, कब्र खोदना बंद करो कब्रिस्तान में, नहीं तो मैं तुम्हें कब्र में गाड़ दूंगा। ये जानकारी मेरे कने आई, मैंने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की तो वरिष्ठ अधिकारी मलाया मौके पर पहुंच गए थे, पूरी जानकारी एकत्र। मध्य प्रदेश के रीवा से खौफनाक मामला सामने आया है, जहां पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स इस वक्त गुंडे बन चुके हैं। दरअसल अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने मामूली विवाद में एक जवान की पिटाई कर दी। क्या है पूरा मामला, जाते जाते ये रिपोर्ट देखिए। लाइन वर्कर बने गुंडे, गुंडागर्दी पर उतारू जूनियर डॉक्टर,
इलाज कराना मरीज को पड़ा महंगा। इलाज कराने आए मरीज से की मारपीट। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और इस महामारी के काल में तो डॉक्टर लोगों की अंतिम किरण बनकर सामने आए हैं। पर ऐसे में जहां एक तरफ सरकार की ओर से डॉक्टर्स को फ्रंटलाइन वर्कर कहा गया है, वहीं रीवा से ऐसा मामला सामने आया जिसने डॉक्टरों की छवि को खराब करके रख दिया है। दरअसल रीवा के श्याम साह मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने सारी हदें पार कर दी हैं। दरअसल इलाज कराने आए राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान को कमरे में बंद कर जूनियर डॉक्टर्स ने जमकर पीटा है। दरअसल जवान इलाज कराने आया हुआ था, उसी बीच जवान की डॉक्टरों से कहा सुनी हो गई और जूनियर डॉक्टर अपना आपा खो बैठे। जिसके बाद जवान को बंधक बनाकर अस्पताल में मौजूद 12 से अधिक डॉक्टरों ने जमकर पीट दिया। बता दें कि डॉक्टर्स ने उसकी लाठी डंडे बेल्ट और जूतों से बेरहम पिटाई की। इतना ही नहीं, जवान के सर को लोहे की बेंच में पटक दिया। दरअसल जवान आकाश साहू सर्जरी कैजुअल्टी में इलाज कराने गया था। देरी होने पर जवान ने जूनियर डॉक्टर से जल्दी करने का निवेदन किया, बस यही बात डॉक्टरों को नागवार गुजरी। जिसके बाद पहले जवान को धक्का मारकर गिराया गया और फिर कमरे में बंद कर बंधक बना लिया गया। वहीं हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे सभी जूनियर डॉक्टर इकट्ठे हो गए और फिर जमकर मारपीट की। हम आकाश साहू है, मैं यहाँ अपने कंपनी कमांडर का जो अटेंडर बन के आया था, तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। मैं यहाँ नीचे आया, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा खुद को भी दिखा लूँ, मुझे थोड़ी माइनर प्रॉब्लम थी तो मैं यहाँ आया। तो काफ़ी देर तक, एक घंटे खड़े रहने के बाद मैंने देखा तो मैंने कहा कि इतना टाइम लगेगा, उन्होंने कहा कि एक घंटे और लगेगा। मैंने कहा कि अगर जल्दी हो सक रहा हो, मेरे कंपनी कमांडर ऊपर एडमिट है तो कर लो जल्दी, तो कह रहे पुलिस की धमकी दिखाता है, तो खींचे मुझे धक्का मार दिया वहाँ तक, धक्का मार के उठा मैं, पूरे डॉक्टर को बुला लिया, कहने लगे हम तो हड़ताल पे जाएंगे, और पूरे डॉक्टर को बुला के अंदर बंद करके यहाँ पर्दा डाल के मेरा, मैंने सोचा मैं मोबाइल फोन लगा दूँ किसी को, मैंने कॉल भी किया लेकिन क्या है, कॉल करने के बाद इन्होंने अटेंड नहीं करने दी, बात नहीं करने दी, फोन चढ़ा लिया मेरा और यहाँ पर्दे डाल के जनता को भी नहीं देखने दिया, कहने लगे कि देखो कोई वीडियो तो नहीं बना रहा, और फिर लाइन से डॉक्टर को बुलाते गए और मेरा दीवार में सिर मारा, वो घंटों पीटा। वहीं मारपीट के मामले की सूचना तत्काल डायल 100 को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। वहीं मामले पर एएसपी शिव कुमार का कहना है कि मामले में पूछताछ जारी है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। हाँ, ये जानकारी मिली कि हमारा एक SISF का कर्मचारी है जो यहाँ पे हमारे CC साहब भर्ती थे, मरावी साहब, उनके साथ अटेंडेंस ड्यूटी कर रहा था। उसका कहना है कि जब मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा था तो आज मरावी साहब जो थे, जो CC साहब डिस्चार्ज होने वाले थे, तो उसको कुछ प्रॉब्लम थी एडमिशन में, तो वो सोचा कि मैं भी डॉक्टर साहब को दिखा लेता हूँ, तो पर्चा बना के वो डॉक्टर साहब को दिखाने गया। वहाँ ड्यूटी डॉक्टर थे, ड्यूटी डॉक्टर ने बता रहा है कि उनको उसने चेक किया और इसके बाद उसने जिद की कि मुझे थोड़ा जल्दी देख लें, उन्होंने बोले तुम बैठ जाओ, कुछ सीरियस पेशेंट आ गए हैं। दोनों में आपस में इसी बात को लेकर कुछ थोड़ा सा कहा सुनी हुई, इसके बाद ड्यूटी डॉक्टर्स ने कुछ अपने और साथियों को बुला लिया और उसके बाद उसके साथ धक्का मुक्की की, तो धक्का मुक्की के बाद उसने कुछ रेक किया है, रक्षण देने के बाद से डॉक्टर साहब ने उन्होंने उसके साथ मारपीट की है। उसको कहा गया था कि थोड़ा वेट कर लो, लेकिन वो उनके एक ऑफिसर जहाँ भर्ती थे और जो डिस्चार्ज हो रहे थे, तो उसको जाने की जल्दी थी कि ऑफिसर को छुट्टी करके और ले जाना था, उसकी जवाबदारी थी। इसी दौरान
डॉक्टर्स इसने बदतमीजी से पेश आए ऐसे हमारे जूनियर डॉक्टर ने बताया, और उसके बाद में अभी हम जो पूरा घटना हुई है दोनों ही पक्षों की बात हम लोग ने अभी जानने की कोशिश की है और उसकी जो हम लोग विवेचना कर रहेंगे। हमारे साथ में हमारे एडिशनल एसपी एमआईटीआई अग्रवाल साहब ये लोग हैं, अब दोनों ही पक्षों का से लिखित में ले रहे हैं और आगे कार्रवाई करेंगे। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मरीज और उनके परिजनों के साथ आए दिन मारपीट की शिकायतें सामने आती रही है। हड़ताल के डर से मामले में पर्दा डाल दिया जाता है। जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी इस वक्त चरम पर है। कुछ साल पहले भी पीटीएस पुलिस ने जवान को इसी तरह मारा था और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के जवानों ने हॉस्टल में घुसकर इसी तरह से जूनियर डॉक्टरों की खैर ली थी। खैर, इस मामले के सामने आने के बाद से सवाल उठता है कि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही आखिर कब हो पाएगी और पीड़ित जवान को न्याय आखिर कब तक मिल पाएगा। रीवा से प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद समीम की रिपोर्ट।